बचपन से या फिर तो हर रोज़ आपने इन कई कंपनियों के लोगों को तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि कई कंपनी के लोगों के पीछे ना एक हिडन मीनिंग छुपा होता है। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही कंपनियों के लोगों के बारे में आपको बताएंगे, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, इसलिए आपको पता चले कि इस लोगों के पीछे आखिरकार क्या हिडन मीनिंग छुपा है। नंबर 15, फेमस कार कंपनी में से एक ह्युंडई कंपनी का लोगो। इस लोगो को हम देखेंगे तो हमें नॉर्मली एच साइन का लोगो दिखेगा, मगर इसमें एक हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। वो यह कि इस सिंबल को ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि इसमें ह्युंडई कंपनी का ओनर और कस्टमर का रिलेशनशिप नज़र आता है और दोनों ने हैंड्स भी मिलाए हुए हैं, इसलिए इस लोगो में ना एच यूनिक नज़र आता है। नंबर 14, एयरटेल कंपनी का लोगो। यह कंपनी का लोगो में यह क्या है? इस लोगो में ना एयरटेल वर्ड्स का ए है, जो कि वह नॉर्मल अल्फाबेट की तरह जॉइंट नहीं है। वह यह दर्शाता है कि इस दुनिया में ना एयरटेल कंपनी के लिमिटेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। नंबर 13, बेस्किन रॉबिन्स कंपनी का यह लोगो। इस कंपनी के लोगो को हम देखेंगे तो हमें नॉर्मली बी और आर नज़र आएंगे, मगर आप ध्यान से देखेंगे तो बी और आर के बीच में ना नंबर 31 है, जो कि इस कंपनी के 31 आइसक्रीम फ्लेवर को डिफेक्ट करता है ना अमेजिंग। नंबर 12, टोयोटा कार कंपनी का लोगो। यह लोगो ना दुनिया के सबसे यूनिक लोगों में से एक माना जाता है। टोयोटा कंपनी के इन लोगों को आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस लोगो में ही टोयोटा लिखा हुआ है ना अमेजिंग। नंबर 11, सैमसंग कंपनी का लोगो। सैमसंग कंपनी का नेम ही उनका लोगो है, आपको पता ही होगा, लेकिन सैमसंग एक प्रॉपर इंग्लिश वर्ड नहीं बल्कि एक कोरियन वर्ड है, जिसका मतलब होता है सैम यानी कि तीन और संग यानी कि स्टार। तो दोनों वर्ड्स को जोड़ेंगे तो बनेगा थ्री स्टार, यानी कि सैमसंग का मतलब होता है थ्री स्टार। नंबर 10, फॉर्मूला वन कार कंपनी का लोगो। फॉर्मूला वन का पहले यह लोगो था। इस लोगो को ना आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस स्पेस के बीच में आपको वन का साइन नज़र आएगा और यह रेड डिज़ाइन वो यह फॉर्मूला वन गाड़िया की स्पीड को डिफेक्ट करती है। नंबर 9, LG कंपनी का लोगो। इस लोगो में आप L और G लेटर को देखेंगे, मगर उस लोगो में बना डॉट के चलते इस लोगो को एक स्माइली की तरह दर्शाता है। नंबर 8, ओडी कार कंपनी का लोगो। इस कंपनी का लोगो दिखने पर तो हमें चार जॉइंट रिंग नज़र आती है, मगर इन कंपनी को ना चार लोगों ने मिलकर बनाया था, इसलिए इस लोगो में चार रिंग वो इन चार लोगों की एकता को दिखाती है ना अमेजिंग। नंबर 7, हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का यह लोगो। यह लोगो में ना एक मस्त हिडन मीनिंग छुपा हुआ है। पॉन्ड्स, लैक्मे, क्लोजअप, फेयर्स, फेयर एंड लवली एटसेट्रा एटसेट्रा, यह सब कंपनी है ना, उनकी हेड कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर है और इसमें यू आकार के इस सिंबल में ना इनके अंडर में जो सारी कंपनी है उनको यह डिफेक्ट करती है, इसलिए वह यू इतनी खास डिज़ाइन नज़र आती है। नंबर 6, वोडाफोन कंपनी का यह लोगो। वोडाफोन का फुल फॉर्म होता है वॉइस डेटा फोन और यह कंपनी का लोगो ना एक मार्क को दर्शाता है। नंबर 5, अमेजोन कंपनी का लोगो। अमेजोन कंपनी के इस लोगो में SZ तक का यह कर्व लाइन यह दर्शाता है कि इस कंपनी में ना A to Z सारी प्रोडक्ट मौजूद है और यह स्माइली इमोजी को भी दर्शाता है। नंबर 4, SBI बैंक का यह लोगो। SBI का लोगो में हमें देखने पर एक की होल नज़र आता है ना, मगर इनके और भी मीनिंग है, जैसे कि हमें लोगो में राउंड एक इंसान का मुंह है और वो बाकी का हिस्सा उनका शरीर है। इनसे यह कंपनी कहना चाहती है कि हमारे बैंक में एक आम इंसान और हमारे संबंध मौजूद है और इस बैंक में सभी कस्टमर के पैसे सेफ है। और इसके लोगों का डिज़ाइन अहमदाबाद के एक व्यक्ति ने बनाया था, जिनके चलते उन्होंने काकरिया लेक को भी इसमें दर्शाया है। नंबर 3, BMW कार कंपनी का लोगो। BMW पहले एयरलाइंस के इंजन बनाती थी और बहुत से लोगों का कहना है कि इस लोगो उन एयरप्लेन के पंखे को दर्शाता है, मगर सच तो यह है कि इस कंपनी जर्मनी के बनेवियन नाम की जगह से स्टार्ट हुई थी, जिसके चलते इन जगह का फ्लैग को ही इन लोगों में दर्शाया गया है। नंबर 2, एडिडास कंपनी का लोगो। इस कंपनी का लोगो तो आपने ज़रूर देखा ही होगा, मगर इस लोगो में यह 3 लाइन एक पर्वत को दर्शाती है कि एक एथलीट का चैलेंज होना यह लोगो दर्शाता है।
नंबर वन, एप्पल कंपनी का लोगो। वैसे तो इस कंपनी का लोगो पहले स्टीव जॉब्स ने न्यूटन पर जो एप्पल गिरा था उन चित्र को इस कंपनी का लोगो पहले बना दिया था, मगर 2016 में इन लोगों को डिजाइन करने वाला व्यक्ति ने बताया कि सबसे पहले मैंने मार्केट से कई सारे एप्पल लाए, बाद में उन सभी एप्पल को अलग तरीके से डिजाइन किया, मगर मैंने एक एप्पल को बाइट किया और यह वर्ड्स कंप्यूटर लैंग्वेज बाइट से काफ़ी सिमिलर था, तो मैंने सोचा कि इनसे अच्छा और लोगो क्या बन सकता है। बस इन्हीं एप्पल को ही उन्होंने इस कंपनी का लोगो बना डाला। और आई होप कि आप सभी को कई लोगों के हिडन मीनिंग समझ आ ही गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग और मज़ेदार इस वीडियो इस चैनल पे आते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।